गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव रंजन, पेडियाट्रिशियन एट नोएडा। दोस्तों, मैं आज एक फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और आज के टॉपिक है बबी का कॉर्ड केयर। कॉर्ड केयर, जैसे ही कॉर्ड को हम डिलीवरी के वक्त में कट करके कॉर्ड क्लिप लगाते हैं, उसका केयर रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जितनी भी न्यू बॉर्न मॉम हैं, उनके प्रश्न होते हैं, डॉक्टर साहब इसको कैसे संभालें। कभी कभी कपड़े पहनाते वक्त या स्पॉन्जिंग करते वक्त वो इंजर्ड हो जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कॉर्ड को हमेशा ड्राई रखना है। ये जो कॉर्ड क्लिप स्टम्प के साथ 7 से 14 दिनों में गिर जाते हैं, खुद ब खुद गिरते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मैनूवर नहीं करना है। बच्चे के कॉर्ड क्लिप जो है स्टम्प के साथ 7 to 14 डेज में गिर जाते हैं। आपको इसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे गीला नहीं होना चाहिए, इस पर पानी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम बच्चों के मॉम को बताते हैं कि आप अपने बच्चों को प्रथम 2 सप्ताह तक नहलाएं नहीं और उसको स्पॉन्जिंग करें, जिससे उनकी सफाई भी बनी रहे और हमारा कॉर्ड केयर हो सके। कभी कभी बच्चों के कॉर्ड से पस, ब्लीडिंग या स्वेलिंग हो जाता है। ऐसे हालात में आप निकट के अपने पेडियाट्रिशियन से सलाह लें, उनको दिखाएं। ज़्यादातर वो लोग इसकी सफाई बीटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन करके आपको एक एंटीबायोटिक पाउडर देते हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 बार और वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कॉर्ड केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बड़ी आर्टरी वेन से जुड़े होते हैं और इसका इन्फेक्शन बच्चे को बुखार तक ला सकता है। कॉर्ड केयर का ध्यान रखें, सफाई रखें और इसके आसपास किसी भी प्रकार की स्वेलिंग, रेडनेस या उससे पस डिस्चार्ज हो तो अपने निकटतम पेडियाट्रिशियन से सलाह लें, अपनी राय लें, जिससे कि आप बच्चे की कॉर्ड केयर अच्छे से कर सकें। कॉर्ड केयर के लिए बिल्कुल आपको सावधान रहना है। ये सिर्फ 2 सप्ताह की प्रॉब्लम होती है और जब वो सूख कर गिर जाता है, उसके बाद आपके बच्चे को कॉर्ड से कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इसका आप ध्यान रखें। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। हम नए टॉपिक्स के साथ फिर आपके पास उपस्थित होंगे। थैंक्स अ लॉट।